वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हाजिर हो। चीफ जस्टिस का पेशावर में अस्पतालों और स्कूलों की हालत इजार से मुतालिक केसेस की समाअत के दौरान हुक्म। सूबे में बिजली की लोड शेडिंग पर भी चीफ जस्टिस बरहम। रात से यहां मौजूद हूं, इस दौरान 7 मरतबा बिजली चली गई। सूबे में बिजली की तलब और असद से की मुकम्मल तफसील अदालत को बताई जाए। चीफ जस्टिस की पेस्को चीफ को हिदायत। कहीं पे आपको डरने की जरूरत नहीं, कोई आपको यहाँ से नहीं निकाल सकता। जानकार से बताइए कि कितनी फीस आपने दी है। प्रिंसिपल है आपकी तालीम क्या है, कहाँ प्रोफेसरशिप आपने की, क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। चीफ जस्टिस का लेडी रेडिंग अस्पताल का दौरा। मियां साकिब निसार ने अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियत का जायजा लिया। चीफ जस्टिस की पेशावर आमद पर खातून की इंसाफ के लिए फरियाद। 6 साल पहले बहन और बहनोई को कत्ल किया गया, मुलजिम ताहाल आजाद हैं, इंसाफ दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब को 2 खत लिखे हैं, 6 दफा टेलीफोन पे बात की है। अब प्रॉब्लम हल किसने कर रहा, जो मेजर मसला है वो है सुई सदन गैस कंपनी का और के इलेक्ट्रिक का। वजीर आजम को लोड शेडिंग से मुतालिक 2 खत लिखे, उन्होंने जवाब देना गवारा ना किया। कराची में लोड शेडिंग पर वजीर आला सिंध का पारा हाई, कहा सुई सदरन कहती है अरबों रुपए के बकाया जात हैं। एफआईए कहती है कि इलेक्ट्रिक को गैस दी तो जेल भेज देंगे। गैस ना मिलने की वजह से 500 मेगावाट के प्लांट्स बंद हैं। हर वक्त लाइट जाती रहती है, बगैर टाइमिंग के अलावा भी जाती रहती है। लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग के मसाइल ही मसाइल है। लाइट आती कम है, जाती ज्यादा। बिलिंग इतनी ले रहे हैं, ना तार चेंज करते हैं, ना लाइट का निजाम सही करते हैं। लाइट वाले बिल इतना भेजते हैं, बिल भी 25-25 हजार बिल भेजते हैं। बिजली ना पानी, कराची वालों की रोज यही कहानी। शहर कायद में ऐलानिया और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बाद इलाकों में बिजली की अदम फराहमी के बाइस पानी की भी शदीद किल्लत, शहरियों को मुश्किलात का सामना। हवा की बेटियां कब तक जुल्म का शिकार होती रहेंगी। गुजरात में नामालूम मुलजिमों ने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की 3 तालिबात पर फिर तेजाब फेंक दिया। झुलसने वाली लड़कियां चनन स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थीं। तेजाब फेंकने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल कदीर लड़कियों का मामू है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन के हार्डले स्ट्रीट अस्पताल में अहलिया कुलसूम नवाज की आयादत। आज सियासत पर बात नहीं करूंगा, लंदन में कयाम का कल तक पता चल जाएगा। नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। इसहाक डार के खिलाफ एहतसाब अदालत में नैब जिमनी रेफरेंस की समाअत। नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद खान के वकील की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त। अशमत हबीब बीमार और हस्पताल में दाखिल हैं, गवाहों के बयानात आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड किए जाएं। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।
लाहौर में मुज़ाकरात की नाकामी पर वापडा मुलाज़मीन ने वापडा हाउस पर धावा बोल दिया। मुलाज़मीन और वापडा सिक्योरिटी अहलकारों में तसादुम, कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन को मुस्तकिल किया जाए। मुज़ाहरीन का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। वर्दी के पीछे दहशतगर्दी नहीं, दहशतगर्दी आपके दिमागों में है। वज़ीरे आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ेंजो कहते हैं फोर्सेस के खिलाफ बातें करने से कुछ हासिल नहीं होगा। लोगों को पता चल गया है कि उनके दुश्मन कौन हैं। मुल्क की तरक्की और अमन के लिए मुत्तहिद होना होगा। अंधेरों का खात्मा, रोशन इम्कान, बेहतरी की उम्मीद, मजबूत सहारा। पाक चीन इक्तसादी राहदारी पाकिस्तान में बिजली बहरान पर काबू पाने में संगे मील साबित होगी। 660 मेगावाट का एक मंसूबा मुकम्मल, मजीद 16 पर हंगामी बुनियादों पर काम जारी। सीपैक से सनअतकारों के लिए नवाजिशात के दरवाजे भी खुल गए। पाक चीन इक्तसादी राहदारी मंसूबे के असरात सनअती शहर फैसलाबाद तक भी पहुंच गए। साहेवाला इंटरचेंज के करीब अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया। खैरपुर में टंडू मस्ती कौमी शाहरा पर जायरीन से भरी वैन में आग लग गई। खातून और दो बच्चे झुलस कर जान भाग, 10 अफराद जख्मी, सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल। नरेंद्र मोदी की दौलत मुश्तरका सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन आबद। कश्मीरी और सिख कम्युनिटी सड़कों पर आ गई। भारतीय वजीर आजम के खिलाफ शदीद नारेबाजी, तिरंगा के टुकड़े कर दिए। मुलाकात से कबल ही वॉकआउट की धमकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाली कोरियन रहनुमा किम जोंग उन पर मुज़ाकरात से कबल ही दबाव डालना शुरू कर दिया। कहते हैं अगर बातचीत गैर फायदेमंद लगी तो उठकर चला जाऊंगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड, कौमी खिलाड़ियों ने मशकों का आगाज कर दिया। बल्लेबाज खामियां दूर करने के लिए कोशां तो बॉलर्स भी विकेटें उड़ाने के गुर सीख रहे हैं। आयरलैंड की टीम अपनी तारीख का पहला टेस्ट 11 मई को पाकिस्तान से खेलेगी। नौजवान क्रिकेटर मोहम्मद अब्बास काउंटी के बायस इंग्लैंड में ही टीम को ज्वाइन करेंगे। कोयटा में हालिया बारिश होने 4 साल पहले खुश हन्ना झील को सैराब कर दिया। हन्ना झील में पानी भर जाने से जिंदगी लौट आई। शहरियों ने हन्ना झील का रुख कर लिया। खट्टा के इलाके केटी बंदर में एक दिन में ज्यादा पौधे लगाने की मुहिम जारी। 3 लाख से जायद पौधे लगा दिए गए। 10 लाख से जायद पौधे लगाने का हदफ अबूर किया जाएगा। अदाकारी की दर्सगाह शहनशाह जज्बात और लेजेंड अदाकार मोहम्मद अली का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। आंसू बन गए मोती, मेरा घर मेरी जन्नत और सलाम मोहब्बत जैसी लातादाद सुपरहिट फिल्में आज भी शायकीन को उनकी याद दिलवाती हैं।